शहर अचानक भयानक रूप से हिल गया, सड़कों में हवा का झोंका आया। पहले तो सभी ने सोचा कि यह एक भूकंप है, फिर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जमीन पर आ गिरी। डेल तुरंत चौंक गया, उसके सामने गाय दो भाग में कट गई। क्या वह उसका वहम था? गाय के खून को छूने पर उसे पता चला ये सच था। फिर उसने अपना हाथ सामने रख दिया, जब उसने हवा की दीवार को छुआ तो उसे बिजली का करंट महसूस हुआ। बगल का छोटा सा बंगला भी दो हिस्सों में बंट गया, बीच हवा में एक चमकीला लाल हथेली का निशान छप गया जो पास से गुजर रहा था। वह हैरान था, जब उसने बैरियर को छुआ तो उसे भी करंट लगा। आकाश में कौवों की भी अपनी गर्दन टूट गई। जाहिर तौर पर हवा की दीवार उसकी सोच से अधिक ऊंची थी। तभी एक विमान ऊपर से गुजरा, ये दीवार से टकराया और तुरंत फट गया, जो अभी भी विमान को अपने ऊपर गिरने की प्रतीक्षा कर रहा था। सौभाग्य से डेल ने उसे बचा लिया और ऊपर विमान को काले धुएं में बदलते देखते हैं। किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ है, इंटरनेट के सभी सिग्नल डाउन थे। एक महिला एक छोटे शहर के हाईवे पर गाड़ी चला रही थी, उसी समय एक बड़ा ट्रक सड़क पर आ गया और फिर महिला ड्राइवर ने ब्रेक मारा और वे एक दुर्घटना से बच गए। ट्रक को इस तरह देखकर वह सब डर गई, उनकी कार एक्सीडेंट में मौत भी हो सकती थी। दूसरी तरफ एक फायर ट्रक दुर्घटना देखकर शहर में आने की कोशिश करता है। डेल ने स्थिति देखी और उसे रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन ये बहुत तेज गति से चल रही थी। समय रहते दमकल कर्मियों ने ट्रक को रोक दिया, लेकिन वह डेल को पीटने के लिए ट्रक से नीचे उतरा और हवा की एक दीवार से टकरा गया। क्योंकि बैरियर ने दोनों आवाजों को काट दिया है, डेल केवल लिखकर बात कर सकता है। नगर पुलिस के पहुंचने पर हड़कंप मच गया, उन्होंने एयर वॉल को डोम कहा। कस्बे में बहुत सारे हादसे हुए जो दुर्भाग्यशाली थे, जिन्हें डोम ने आधे में विभाजित कर दिया था। जल्द ही बड़ी संख्या में बाहर के पत्रकार और सैनिक आ गए, सेना ने तुरंत उस जगह को सील कर दिया। कई वैज्ञानिकों ने यंत्रों से डोम की जांच की और फिर परीक्षण के लिए उस पर पानी का छिड़काव किया। कुछ ऑपरेशन के बाद न केवल पानी हवा की दीवार में प्रवेश कर सका, यहां तक कि अन्य लिक्विड भी इसमें प्रवेश नहीं कर सके। लोगों को महसूस हुआ कि शहर एक एयर वॉल में बंद हो गया है। एक शेरिफ जांच के लिए उस पर अपना हाथ रखने के लिए उत्सुक था। एक बार उसको अपनी छाती थोड़ी असहज महसूस हुई और अगले ही पल उसका पेसमेकर फट गया और इस तरह उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद कस्बे में कोहराम मच गया। किसी ने डोम के नीचे गड्ढा खोदने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों ने उसे रोक दिया। शेरिफ के साथ जो हुआ उसके कारण उन्हें पता चला कि अगर मशीन डोम को छूती है तो उसमें सीधे विस्फोट हो जाएगा। चूंकि हम अभी खुदाई नहीं कर सकते हैं, तो चलिए 100 मीटर गहरे बम शेल्टर का प्रयास करते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डोम इतनी गहराई तक होगा। ऐसा लगता है कि यह चीज न केवल बहुत ऊंची है बल्कि गहरी भी है। डोम से संपर्क करने के बाद टॉर्च भी तुरंत फट गई। शहर में किसी के होश उड़ गए थे। उसने गुस्से में डोम पर दो गोलियां चलाई, लेकिन गोलियां पलटकर वापस आई और उनके बगल में उनके सहयोगी की मृत्यु हो गई। इससे सभी को अधिक से अधिक बेचैनी महसूस हुई। ये हवा की एक अदृश्य लेकिन मजबूत दीवार है जिससे पूरा शहर दुनिया से कट गया है। 6 दिनों तक लोग ऐसे ही रहे। शहर के पानी और भोजन की आपूर्ति समाप्त हो गई थी। डेल ने सोचा कि वह झील पर पानी लेने जा सकता है। इसके बजाय उन्हें झील पर मरी हुई मछलियां मिली। उन्होंने सैंपल लिया और वापस चले गए। पता चला कि पानी में आग लग सकती है क्योंकि डोम ने पाइप काट दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप झील में रसायनों का प्रवाह हुआ। इस बीच बाहर सेना लोगों को निकालने लगी। भीड़ ने सोचा कि बाहर की सरकार ने उन्हें छोड़ दिया है। स्थिति तुरंत बाहर हो गई। लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे सुपरमार्केट में घुसकर खाने और पीने के पानी का बचा हुआ हिस्सा हथिया लिया। पड़ोसी आपस में दुश्मन बन गए। शहर की पुलिस ने आंसू गैस छोड़े, पर लोग नहीं रुके। उसके पास अपनी बंदूक निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था। सौभाग्य से गोली चलाने से पहले आसमान से हुई बारिश ने लोगों का गुस्सा कुछ कम किया, लेकिन डोम गायब नहीं हुआ। ये जगह बाहरी दुनिया से अलग एक दुनिया है। ऐसा लगता है कि डोम का अपना माइक्रोक्लाइमेट है। रात के समय भी लोग पानी भर रहे हैं। शहर में सेना सभी के बाहरी रिश्तेदारों को ले आई, क्योंकि कोई भी पक्ष एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकता था। वह केवल शब्दों या इशारों से संवाद कर सकते थे। ये परिवार और दोस्तों के पुनर्मिलन जैसा लग रहा था, लेकिन डेल ने खतरा भांप लिया। उसे एक ऐसी महिला मिली जो बाहरी दुनिया से बात करने के लिए होंठ पड़ सकती थी। सिपाही उसे बताता है, डोम को बाहरी दुनिया में आतंक पैदा करने से रोकने के लिए सेना ने डोम को नष्ट करने के लिए परमाणु बम का उपयोग करने का निर्णय लिया। आसपास के शहरों के सभी लोगों को निकाला जाएगा। अंदर के लोग बचेंगे या नहीं, ये किस्मत पर छोड़ दिया जाएगा। इस खबर को जानने के बाद सभी को बचने के लिए बम शेल्टर में घुसना पड़ा। मौत के लिए उन्हें अब कोई डर नहीं लग रहा था, वे केवल उनके परिवार के लिए दुखी थे। एक परमाणु बम काफी ऊंचाई से गिरा, डोम पर टकराया और भयानक विस्फोट हुआ, लेकिन परिणाम सभी की अपेक्षा से परे था। डोम न केवल क्षतिग्रस्त था बल्कि उन्हें कोई आवाज भी सुनाई नहीं दी। उन्हें नहीं पता था कि शुक्रगुजार होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। इतना मजबूत डोम का मतलब था कि वे शायद कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। विस्फोट से बाहर का शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। जहां तक नजर जाती बाहर मलबे के सिवा कुछ नहीं था। इस घटना ने सभी को फिर से मायूस कर दिया, लेकिन जल्द ही हालात ने और भी बुरे मोड़ ले लिए। जो और एनजी नहीं जानते थे कि वे जंगल में क्या कर रहे थे। उन्हें गलती से एक घास का ढेर मिला। एनजी ने इसे छुआ, लेकिन उसे बिजली का करंट लग गया। खरपतवार को हटाने के लिए उन्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। फिर उन्होंने इसे पानी से धो दिया। उनके सामने एक छोटा सा डोम था।
अंदर एक काला अंडा था। एंजी ने सोचा कि काला अंडा शहर के डोम को नियंत्रित कर रहा है। फिर उन्होंने अपने हाथों को एक साथ शीर्ष पर रखा। फिर एक अजीब दृश्य हुआ। एंजी ने अपनी माँ को ठीक उसके सामने देखा। जब उन्होंने अपने हाथ हटा दिए, माँ फिर से चली गई थी। एंजी ने महसूस किया कि यह खतरे का संकेत था, तो वह तुरंत घर भागी। उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ा था। कस्बे में कुछ ही हॉस्पिटल होने के कारण उसकी माँ को मरने में देर नहीं लगी। एंजी दुखी होकर डोम के पास आई। वो उससे बार बार पूछती रही कि वह क्या करना चाहता है। अचानक काला अंडा प्रतिक्रिया करता है। अगले दिन लिटिल डोम उनके घर के भंडारण कक्ष में दिखाई दिया। यह एक बहुत ही अजीब सा काला अंडा था, जिसमें एक ही समय में तीन लोगों ने अपने हाथ रखे। इसने एक चमकदार नीली रोशनी उत्सर्जित की और फिर चौथी खाली हथेली का निशान उभरा। तब उन्हें एक और दोस्त मिला। यह अद्भुत है, छोटा डोम फिंगरप्रिंट लॉक की तरह है। जब चौथी हथेली उस पर रखी गई, अंदर गुलाबी रोशनी जल्दी से इकट्ठी हुई। अचानक रोशनी चली गई। छोटे काले अंडे से अनगिनत छोटे तारे उत्सर्जित हुए। हालांकि यह सुंदर लग रहा था, लेकिन इसने किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया। अगले दिन छोटे डोम से एक तितली निकली। ये बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही यह डोम से टकराए, काले धब्बे दिखाई दिए। तड़पने के बाद तितली ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी बाहर के गुंबद में भी अंधेरा छा गया। धीरे धीरे पूरे डोम पर काले धब्बे छा गए। लोगों में तेजी से खौफ फैल गया। तनावपूर्ण और दमनकारी माहौल ने तापमान को जमाने वाले बिंदु तक गिरा दिया। पलक झपकते ही पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। शायद असली अंत आ गया था। सभी लोग चर्च में प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने सोचा कि उन्हें तितली को बाहर निकालना होगा। छोटे काले डोम से चार निशान उभरे। सभी ने बिना ज्यादा सोचे समझे अपनी हथेलियों को एक साथ उस पर रखा। डोम ने सबसे पहले एक अत्यंत चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी उत्सर्जित की, फिर वह टूट गया। सौभाग्य से अंदर की तितली में जान आ गई। लेकिन 3 सेकंड भी नहीं हुए इससे पहले कि सभी खुश होते काला अंडा असामान्य दिखाई दिया। यह एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित करते हुए हिलने लगा, जैसे कि यह फटने वाला था। हर कोई भागने को तैयार था, लेकिन डेल की प्रेमिका, जो मौत से नहीं डरती थी, उसे उठा लिया। आश्चर्यजनक रूप से भूकंप वास्तव में रुक गया, यहाँ तक कि तितली भी उसके चारों ओर घूमने लगी। छोटे डोम को कई बार छूने के बाद भी इसने कोई उपयोगी जानकारी नहीं दिखाई। वे काले अंडे को जंगल में वापस ले गए और उम्मीद के मुताबिक यहाँ उन सभी ने एंजी की माँ की छवि देखी, लेकिन उसने कहा कि वह एलियन थी। शहर में डोम उनकी मानवता की परीक्षा है। बस काले अंडे को पानी में डाल दे, शहर का डोम खुल जाएगा। तो डेल की प्रेमिका ने उसे झील के बीच में फेंक दिया। अगले सेकंड काले अंडे के अंदर के गुलाबी सितारे पानी से बाहर निकल गए। वे प्रकाश के साथ धीरे धीरे ऊपर उठे, जैसे टूटते सितारे घर जा रहे थे। कस्बे के लोगों ने भी इस जादुई घटना को देखा। अंत में वे डोम के ऊपर इकट्ठा हो गए। रात का अंधेरा हल्का हो गया, लेकिन डोम गायब नहीं हुआ। क्या यह एलियंस द्वारा किया गया मजाक है? एलियंस किस तरह की साजिश कर रहे हैं? डोम के पास और क्या रहस्य होंगे?